वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आई गेस आपने एक पेपर बनाया हुआ है, वर्ड पे लिखा है, क्योंकि लेटेक्स आपको यूज करना नहीं आता है, जैसे कि मुझे अभी नहीं आ रहा है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके AI टूल खोज रहा हूँ, क्योंकि अभी तो इतना सारा AI टूल है। ऑब्वियसली कुछ AI टूल होगा जो कि मुझे उसको कन्वर्ट करके दे दे, क्योंकि जो पेपर मैंने बनाया है और जहाँ पे मैं अभी सबमिट कर रहा हूँ, लेट्स IEEE पे सबमिट करने जा रहा हूँ कि एल्सवियर के कोई जर्नल पे जा रहा हूँ, वो कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट पे है। मतलब जो वर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, जो फॉर्मेट पे सिंपली यू नो टाइम्स न्यू रोमन 12 लेके हेडिंग को 14 रख के जो भी मैंने सजा के जो किया है, बट अभी एक नया फॉर्मेट में मुझे करना है। तो अभी मैं क्या करूँ, तो दिस इज़ वॉट SCI स्पेस typeset.io अगेन AI रिसर्च असिस्टेंट, एक प्लेटफॉर्म और एक टूल आप बोल सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा टू कन्वर्ट इट इनटू दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। यहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट अवेलेबल है जिसके हिसाब से वो कन्वर्ट करेगा। अगेन विल डिस्कस थोड़ा बहुत प्रोज एंड कॉन्स अबाउट इट, सो लेट्स स्टार्ट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं साइनअप पहले मुझे करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आ जाओ, साइनअप करो। आप जीमेल के थ्रू कर सकते हो, कोई भी पर्सनल ईमेल के थ्रू कर सकते हो, तो मैंने जीमेल को थ्रू किया है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करके लॉगिन कर लेता हूँ तुरंत ही। आई गेस लॉगिन हो गया क्विक एंड ईजी। तो अभी लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, SCI स्पेस। अभी ये फेज पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट टू एक्सप्लोर मोर ऑफ इट। तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये एक यू नो सिंबल देखने को मिल रहा है, आई गेस समथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफाइल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माय फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे जो आप मैंने जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए थोड़ा यू नो रिहर्सल किया था, तो यहाँ पे डेमो पेपर मैंने यहाँ पे जो आप देख रहे हो अपलोड करके मैं चेक कर रहा था, क्योंकि उसका प्रोस कॉन्स क्या है देखने के लिए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट एंड गैलरी यू नो जर्नल गैलरी, क्लिक ऑन द जर्नल गैलरी। तो अभी हम क्या करेंगे, मान लो मैं एक IEEE जर्नल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो डिफ़ॉल्ट और जो टेम्पलेट होता है IEEE जर्नल का, तो उसी को ही हम अभी लेके चलते हैं। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, इवन स्प्रिंजर, आप स्प्रिंजर सर्च करो, स्प्रिंजर पब्लिशर, स्प्रिंजर का कुछ कुछ जर्नल का है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, वही सब भी आ जाएगा। लेट्स से स्प्रिंजर को लेते हैं, तो ये आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये हो गया आपका, मतलब इस टाइप का दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज टेम्पलेट विथ MS वर्ड फाइल करता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। आपका अगर वर्ड फाइल रेडी है, यहाँ पे आपको ये समथिंग आ रहा है, क्या वो हेल्प करेगा, AI रोबोट पूछ रहा है। तो यहाँ पे वर्ड फाइल अगर है, क्योंकि आपने वर्ड फाइल आई थिंक बना लिया है, ड्राफ्ट आपके पास है, अगर आप पूरा ही यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे आके बनाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जा सकते हो। बट मेरे पास क्योंकि वर्ड फाइल है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, मैंने कहाँ पे टाइपसेट पे रखा था, डेमो पेपर को अपलोड करता हूँ। अभी वो अपलोड सक्सेस दिखा रहा है, सो नाइस। सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि AI अभी कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लेट्स गो पे आ गया, लेट्स गो पे हमको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन लेट्स गो। तो मुझे बता रहा है कि टाइटल पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करो जो आपका टाइटल है, तो ये मेरा टाइटल हो गया टाइटल ऑफ द पेपर, जस्ट डेमो है तो मैंने वैसे लिख दिया टाइटल ऑफ द पेपर। तो फिर सेव एंड गो, क्योंकि मैंने सिलेक्ट कर लिया है, क्लिक हो गया है, सेव एंड गो। देन ऑथर एंड एफिलिएशन, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, इसको भी कर दो, एफिलिएशन ये भी है, ये भी है, तो ऑथर एंड एफिलिएशन सिलेक्ट हो गया। तो सेव एंड कंटिन्यू, नहीं मुझे अभी कुछ हेल्प नहीं चाहिए, हाउ कैन वी हेल्प, वो बोल रहा है। तो सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट पे, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, ये भी है, तो सिलेक्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट पार्ट, सेव एंड कंटिन्यू। देन अभी क्या बोल रहा है, रेफरेंस, ओके, बाकी सब वो नहीं बोल रहा, रेफरेंस पे जाते हैं। रेफरेंस मैंने शायद एड ही नहीं किया है, तो नो प्रॉब्लम, इसी को हम रेफरेंस मान के चलते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक कर देता हूँ एंड, और यहाँ पे इवन आप नो रेफरेंस येट भी कर सकते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि रेफरेंस नहीं है, नो रेफरेंस येट कर देता हूँ। गुड जॉब, योर आर्टिकल इज नाउ माइग्रेटेड सक्सेसफुली, रिव्यू फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट। तो आप देखो इस साइड पे ये मेरा वाला था,
अभी यहाँ पे जो बिल्डअप हो रहा है वो AI और जो typeset.io है और SCI space है ऑलरेडी कर दिया मुझे, यहाँ पे रेडी कर दिया, हियर यू गो। तो ये आपका बना दिया, वो पूरा बना के दे दिया, टेबल वगैरह जो था, लिस्ट ऑफ वेंचर एंड कुछ कुछ वो अपने हिसाब से बना के दिया है। देखते हैं क्या है, क्या क्या है, क्या नहीं किया है। तो यहाँ पे आप पहले देखो, मैंने इंट्रोडक्शन पे एक लाइन रखा था, डेटा सेट पे एक टेबल जानबूझ के रखा था टू सी वो कैसे कर रहा है। यहाँ पे एक इक्वेशन था, स्टैंड अलोन इक्वेशन, तो इक्वेशन वो लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कर दिया है। टेबल यहाँ पे जो है वो नीचे पे आएगा, कंक्लूजन था, फ्यूचर वर्क था। तो यहाँ पे आप देखो बहुत अच्छे से ऑथर, ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव वर्क जो होता है, मतलब जो जस्ट सिंपली लिखा हुआ है वो अच्छे से ले लेता है। यहाँ पे वो ले लिया है एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन वो आ गया, डेटा सेट प्रोसेसिंग वहाँ पे कुछ हेडिंग नहीं था, टेबल वन वो बोला है कि अबाउट हियर वो नीचे कहीं पे होगा। तो बाकी यहाँ पे इक्वेशन भी अच्छे से ले लिया है, हालांकि इक्वेशन सभी टाइप का यहाँ पे वो अच्छे से नहीं ले पाता है। तो उस टाइप पे आप क्या करो, एडिट टाइप सेट पे जाके भी कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ऑथर का जो नाम था, ऑथर आ गया, एफिलिएशन वहाँ पे आ गया, जो फॉर्मेट है उस हिसाब से वो बनाया है, फिर कंक्लूजन आ गया, एंड यहाँ पे आप देखो टेबल जो था वहाँ पे समरी ऑफ डेटा सेट यहाँ पे वो दे दिया है, लिस्ट ऑफ टेबल, और यहाँ पे वो टेबल आपका आ गया, ये जो टेबल है ये टेबल यहाँ पे आ गया है। तो आई गेस सही से आया है, मुझे जो लग रहा है कुछ चेंजेस नहीं है। तो एडिट ऑन टाइप सेट हम करते हैं। तो अभी क्या होगा, मान लो कहीं पे कुछ छूट गया है, कुछ गलती और कुछ यू नो AI से भी गलती हो सकता है, तो हो गया है। तो यहाँ पे जो किया है, मतलब यहाँ पे आप जो भी एडिट करोगे, अभी तो ये आपका बना है, तो यहाँ पे मुझे अभी टाइटल मुझे पता है कि इट इज़ अबाउट EEG सिग्नल एनालिसिस, जो भी है यू नो, यहाँ पे आप रिफ्रेश कर दो तो टाइटल यहाँ पे फाइनल, मतलब फाइनल टच आप दे रहे हो बिफोर डाउनलोडिंग इट। तो यस, यहाँ पे चेंज हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट ये है, ऑथर ये है, देन आपको यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपने कुछ गलती किया था, फिर आपके पास ऑप्शन है, इवन जो AI ने चेंज किया फिर से आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो वो ऑप्शन है। यहाँ पे मान लो कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे भी आप आके उसको एडिट कर सकते हो, एडिट पे जाके एडिट कर सकते हो। बट लेट्स सी और क्या एडिट ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ इक्वेशन रिलेटेड नहीं दिख रहा है, सिंपली जो वर्ड है उसको एडिट आप कर सकते हो। अपलोड इमेज यहाँ पे ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि इमेज का कुछ एक था जो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अपलोड इमेज कर सकता हूँ, लेट्स से मैं मैं पिक्चर में जाके कुछ एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। लेट्स से ये इमेज हम डाल देते हैं यहाँ पे, जस्ट यू नो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, मैं एक ग्राफिकल इमेज यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो ये अपलोड हो गया, इसको रिफ्रेश करते हैं, कहाँ गया, रिफ्रेश, यस आ गया, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब वो सजा दे अपना लिस्ट ऑफ चैट को रख के, मतलब जो टेम्पलेट है वो कभी कभी रेफरेंस के बाद में रहता है, इमेज एंड टेबल्स, तो उस हिसाब से वो रख लिया, कंक्लूजन आ गया, सब कुछ हो गया। तो वेल सेट टू गो आई गेस, ये अभी ठीक है। तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मेरा रेडी हो गया है। तो इक्वेशन जो मैंने बताया था, अगर यहाँ पे सही से नहीं ले रहा है तो आप बाद में जाके उसको फिर आप चेंज कर लो, जो मैथमेटिकल इक्वेशन आप यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आता है, इवन आपके वर्ड पे भी आप कर सकते हो। इक्वेशन एंड टेबल्स आपको इमेज नहीं रखना है, वो शायद आप लोगों को पता है, तो वो आप मत करना। अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि ये बन चुका है, फाइल पे आप जाओ, सेव एज कर लेते हैं, PDF कर सकता हूँ, वर्ड पे भी कर सकता हूँ। तो पहले वर्ड करके देखते हैं, तो क्या बता रहा है कि क्योंकि ये मैंने परचेज अभी तक नहीं किया है, मतलब अपग्रेड नहीं किया है, तो ओनली 1000 वर्ड तक, जो यहाँ पे मान लो आपका 3000 वर्ड है, हालांकि 1000 वर्ड ही होगा जो मैंने बनाया था, एंड 1000 वर्ड तक ही आपको रिजल्ट देगा। मान लो आपका 10 पेज है तो एक की दो पेज आपको देगा। तो मैं इंक्लूड यहाँ पे इंक्लूड अनसाइटेड रेफरेंसेस वो नहीं करता हूँ,
क्लिक ऑन डाउनलोड 1000 वर्ड्स करते हैं पहले, उसको देखते हैं वो डाउनलोड होगा। सो इट इज डाउनलोडिंग आई गेस, सक्सेस। कहाँ पे डाउनलोड हुआ? यहाँ पे हुआ। तो अभी इसको देख लेते हैं, रिव्यू करते हैं। तो एनेबल एडिटिंग, यहाँ पे आपके पास फिर से ऑप्शन है, कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ी हुआ है, इक्वेशन वगैरह कुछ भी कहाँ पे, तो आप यहाँ पे सुधार लो, क्योंकि वर्ड फाइल आपको मिल गया। एंड ये आपको फॉर्मेटेड करके पूरा दे दिया है जैसे रखना चाहिए, तो आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। ठीक ही है, क्योंकि अगर आप बहुत सारा यू नो आपका जैसे गोल है ईयरली आपको 5-10 पेपर पब्लिश करना है एंड आपके पास है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कर सकते हो, दिस इज़ वेयर यू कैन डू इट। अगर आप लेटेक्स आपको पता नहीं है, लेटेक्स के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको फ्रीली हो सकता है, बट यहाँ पे टाइम सेव करना है, आप थोड़ा सा लेजी हो एंड AI का हेल्प ले रहे हो, तो यस यू कैन गो अहेड। अगर मैं यहाँ पे फाइल पे जाके सेव एज PDF करता हूँ, सेम डाउनलोड 1000 वर्ड तक करते हैं, तो यहाँ पे वो भी डाउनलोड हो रहा है, तो इट इज़ डाउनलोडिंग। यस जैसे लेटेक्स में हमारा बन के आता है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, पूरा वेल फॉर्मेटेड इमेज वगैरह। ECG पे मैं बता रहा हूँ स्टार्ट वर्क, रिसर्च वर्क कैसे करना है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कमिंग वेल, मतलब संतुष्टि मिल रहा है, जो काम होना चाहिए वो हो रहा है, तो आप कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट, मतलब आप एक वर्ड पे जो लिखे हो अपलोड करके, और इवन अगर आप वर्ड पे नहीं लिखे हो, जो कि दूसरा इसका पहलू था, हम न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं, तो यहाँ पे भी आप आके न्यू ब्लैंक पे जा सकते हो, क्लिक करो तो वो आपका फॉर्मेटेड लाइब्रेरी में चला गया होगा जो आपने काम किया था। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल बना चुके हैं, साइन अप किए थे आई गेस गूगल और जिसके थ्रू, अकाउंट के थ्रू आपने बना लिया, तो यहाँ पे भी आप उसको खुद से लिख सकते हो, तो ऑटोमेटिक इधर कन्वर्ट होते रहेगा। बट अगेन आपको ध्यान रखना है, अगर आपने प्रीमियम और जो अपग्रेड नहीं किया है, तो 1000 वर्ड तक ही आपको करके दे रहा है, मतलब रिजल्ट दे रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो यहाँ पे कर सकते हो, इवन प्लेजरिज्म चेक एंड अदर थिंग ऑल्सो दे आर डूइंग, बट इट इज़ अप टू यू। आई विल रिकमेंड टू गो विथ 1018 और उर्कुंड, दैट वी अगर आपके पास यूनिवर्सिटी के पास एसेस है तो वहाँ पे कर सकते हो। वाई टू इन्वेस्ट मोर हियर, बिकॉज मुझे यहाँ पे पता नहीं कि वो प्लेजरिज्म कैसे चेक कर रहा है। तो यहाँ पे आप अपना टाइटल वगैरह लिखो, टाइटल ऑफ द पेपर, और यहाँ पे रखो ऑथर। तो यहाँ पे रिफ्रेश अगर मैं करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे वो बन के आ जाएगा, 1, 2, 3 आ गया, ऑथर आ गया। तो जो भी आप लिखोगे इधर वो आ जाएगा, इसको फिर आप जाओ सेव करो, डाउनलोड करो, डाउनलोड रेफरेंसेस करना, रिपोर्ट करना, ये सब भी ऑप्शन है, तो यू कैन एक्सप्लोर दैट ऑन योर यू नो रिलेवेंस एंड रिक्वायरमेंट, वो आप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो दिस इज़ व्हाट यू नो AI टूल दैट विल हेल्प यू और विल सेव टाइम फॉर यू टू मेक थिंग फॉर यू, जो कि आपको वो बना के देगा आपके हिसाब से। तो आप देखो, इसको परखो एंड शायद अगर आपको रिलेवेंट लगे तो यूज करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज, यू कैन एक्सप्लोर द प्लेलिस्ट। सो आई थिंक दोज यू नो यू माइट हैव मिस्ड फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, फ्री टूल्स, कि आप अगर सोच रहे हो उर्कुंड और 1018 के बारे में देखना है, तो बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज हिट द लाइक आइकन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन, आपको मिलेगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।